जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब सभी वानर सेना अपने अपने हाथों से पत्थर उठाते, राम का नाम लिखते और पानी पर फेंक देते थे जिससे वो पानी तैरने लगते थे। तो उसी समय एक छोटे से गिलहरी ने देखा कि सभी फेंक रहे हैं तो मैं भी अपना योगदान इस राम कार्य में, इस राम काज में दे दूं। और उस उन्होंने भी इस गिलहरी ने भी एक छोटा सा पत्थर उठाया और ले जा करके पानी में फेंका। बाकी वानर देखे तो बोले, अरे गिलहरी तुम तो छोटा सा पत्थर उठा करके पानी में फेंक रहे हो, चलो तुम दूर चले जाओ, हम तो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। और तभी भगवान श्री राम ने ये सब देख लिया। भगवान श्री राम पास आए और गिलहरी से कहा कि तुम मेरे लिए ये कार्य कर रहे हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने उसे प्यार से दुलारा और तब जाकर के उस गिलहरी की जो पीठ में आप जो निशान देखते हैं, जो धारियां देखते हैं, यही भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। उन प्रभु का जब आशीर्वाद होता है तब कुछ न कुछ अच्छे ग्रह संजोग हमारे जीवन पर मुले आते हैं। और इसी बात की परिकाष्ठा को सिद्ध करते हुए आज हम आपकी मिथुन राशि, मिथुन लग्न के ऊपर जो प्रभाव पड़ने जा रहा है केतु का, उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, मिथुन लग्न के आधार पर देखें, आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपकी आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में इसे आप मिथुन राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। देखिए प्रारंभ करते हैं। आज से ठीक 15-15.5 महीने पहले लगभग ये समय था, 12 अप्रैल सन 2022 का समय था, जिस दिन से लेकर के आज तक आपके जीवन में ये केतु देवता पंचम भाव पर समाहित है। और पंचम भाव पर केतु का आना कई प्रकार से विपत्तियों और बाधाओं को देने वाला बना। हम इस वीडियो को दो भागों में बांट रहे हैं, एक क्या आपको अब तक प्राप्त हुआ 15-15.5 महीने में, और एक क्या आपको प्राप्त होगा इन 3 महीने में। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा, शायद आपको इस वीडियो से कुछ बहुत बड़ा लाभ हो जाए। केतु देवता आपके चल रहे थे पिछले 15.5 महीने से, कहाँ, आपके पंचम भाव 1, 2, 3, 4, 5 जो कि मिथुन लगन से, मिथुन राशि से ठीक पंचम भाव पर जब ये यहाँ पर आए तो बहुत कुछ लेकर के आए। क्या लेकर के आए? सबसे पहला मानसिक अशांति। कितना भी हम प्रयास कर लें, वो मानसिक अशांति यदि हमारे ऊपर बना हुआ है तो ये मानिए हमारा प्रयास भी निरर्थक होगा। और यही मानसिक अशांति को लेकर क्या है, क्योंकि पंचम भाव हमारी मन स्थिति को दर्शाता है। हो सकता है इस टाइम पर कोई ऐसे हमसे डिसीजन हमने लिया हो, ऐसा कोई निर्णय लिया हो जिस निर्णय का प्रतिफल हम आज तक भुगत रहे हैं। हो सकता है पंचम भाव वो स्थान हो गया जो हमारे स्वयं के एजुकेशन होते हैं, हमारी शिक्षा का स्थान होता है। तो शिक्षा के स्थान या जो विद्यार्थी समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी कई प्रकार से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ यही आपके संतान का भाव भी होता है। तो इस समय पर जिनके संतान नहीं है उनको भी प्रॉब्लम इस समय पर आपको देखने को मिला, और जिनके संतान हैं उनके लिए उनके कैरियर को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के भी आपकी चिंता इस समय पर कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। अब क्या होने वाला है कि इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि केतु की दृष्टियां 3 जगह पर पड़ी थी जहां पर आपको और भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। 1, 2, 3, 4, 5 इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव वो स्थान हो गया जहां पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो हमें भाग्य से बहुत अच्छा हमारा तालमेल नहीं बन पाता। मानो कि भाग्य हमारे साथ नहीं है। हम कर्म तो बहुत करते हैं परंतु यदि भाग्य का साथ यदि मिल जाए तो वही व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा विशाल अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में। और यहीं पर केतु देवता भाग्य पर देख करके भाग्य से हमें विमुख की ओर ले जाने के लिए अग्रसर थे। यही स्थान आपके पिता का होता है। तो जब पिता भाव पर केतु की दृष्टि है तो पिता से भी वैचारिक वैमनस्य बन सकते हैं या पिता के स्वास्थ्य में भी नरमा गर्मी बन सकती है। इस कंडीशन पे अभी तक आपने क्या देखा कि उच्चाधिकारी जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात बहुत मधुर न हो पाना या किसी न किसी कारण से उनके द्वारा आपको प्रताड़ित करना, नवम भाव का प्रतिफल। अब सिर्फ यही नहीं, केतु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, एक तो हो गई 5वीं और 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि के हमने बात किया, अब ध्यान से समझिए 7वीं दृष्टि दे करके वो आपको और क्या दे रहे थे। तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके इनकम हाउस पर जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि पिछले समय से लेकर अब तक हमने जितना एफर्ट लगाया, जितना प्रयास किया, उसके अनुरूप हमें लाभ ना मिल पाना, ये होता है केतु की दृष्टि यदि एकादश भाव पर हो। साथ ही जो लोग सामाजिक दायरे से जुड़ करके कार्य करते हैं उन्हें भी परेशानियों का
सामना करना पड़ा। एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहन हैं, तो उनको या उनसे भी प्रताड़ना या उनको भी परेशानी इस समय पर देखने को आपको मिल सकता है। अब सिर्फ यही नहीं, इस केतु की दृष्टि सातवीं तो यहाँ पर आई और आठवीं और नौवीं लीजिए। अब ये तो भाई आपके लग्न पर ही दृष्टि दे दिए। लग्न पर दृष्टि आना मतलब कि शारीरिक बाधा, स्वास्थ्य में समस्या, कोई ना कोई बना करके चलेंगे केतु देवता, क्योंकि लगन हमारा स्वयं का शरीर है। लगन पर जब दृष्टि आए तो हमारे व्यक्तित्व में कुछ कमी आ सकती है या कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझिए, अब जो लाभ होने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक मान्यता है, आप सब जानते हैं इसे, हमारे दर्शक हैं आप, तो कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री पर होता है, इसका मतलब इसे बाल अवस्था माना जाता है उन ग्रहों का, और इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो केतु के पास कितना बल है आज के डेट पर, मात्र 25%। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 0 से 6 डिग्री के अंदर चल रहे हैं, मतलब आज जब ये वीडियो बन रहा है तो ये 4 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं। अब जैसे जैसे अगस्त का महीना आएगा, 4 में है, फिर ऐसे धीरे कर धीरे जाते जाते ये सितंबर फिर अक्टूबर के महीने आते आते ये 0 डिग्री में हो जाएंगे, अर्थात इनके पास बल अब नहीं के समान है। तो क्या होगा, तो जहां जहां इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था वहां वहां हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पहला, संतान संबंधी चिंता से मुक्ति आप मान सकते हैं। दूसरा, मानसिक अशांति जो बहुत ज्यादा व्याप्त है, किसी भी बात को लेकर के हो सकती है, उस मानसिक अशांति में भी एक शांति का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। पंचम भाव ही वो स्थान है जो हमारा सेल्फ, अपना एजुकेशन है। तो यदि आप कोई कार्य करते हैं और अपना एजुकेशन लेना चाहते हैं या उस एजुकेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो ये केतु अब तक बाधा कारक थे, परंतु इन 3 महीनों में निश्चय मानिए कि कोई ना कोई ऐसा आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना दे। यही वो भाव है जहाँ से ये पंचम दृष्टि देख रहे हैं नवम भाव को, इसका मतलब पिता से लाभ या पिता के स्वास्थ्य में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है या उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना प्रारंभ होगा, साथ ही साथ आपके भाग्य आपके साथ देंगे। भाग्य का साथ देने का मतलब ये समझिए, हमने कार्य किया है और भाग्य हमारे साथ दिए, तो अल्प प्रयास से भी जो दीर्घकालीन जो हमको लाभ मिलता है, ये स्थिति यहाँ पर 3 महीने तक अभी बनने वाली है, आपको ये मानना है। अब यही हमारा हायर एजुकेशन भी है, तो जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो बड़े बड़े शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो एजुकेशन में हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय माना जाएगा इन 3 महीनों में। अब इनकी दृष्टि एकादश भाव पर भी आप जानते हैं, तो एकादश भाव पर जब इनकी दृष्टि है मतलब इनकम को ये बढ़ाएंगे। जिस फिगर में आप अभी कमा रहे हैं, निश्चय मानिए शायद इस 3 महीने में वो आपका फिगर बढ़ जाए, कमाई बढ़ जाए, क्योंकि इनकम का भाव है। इनकम ही स्थान वो स्थान हो गया, ये स्थान जो लोग सामाजिक दायरे से जुड़े हैं उनको भी यहाँ पर लाभ देगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्थान मेरी इच्छा पूर्ति है, आपकी इच्छा पूर्ति है, तो मेरी इच्छा पूर्ति क्या है भाई, जो मेरे अंदर है। भगवान जानते हैं, केतु देवता यहाँ से देख रहे हैं, मतलब हमारी कामना को भी ये सिद्ध करने के लिए 100% सटीक बैठेंगे। अब यही नहीं, इनकी दृष्टि लग्न पे है मतलब हमारे व्यक्तित्व में विकास होगा। स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई बाधा परेशानी है तो उसमें भी आप ये मानिए कि हमारे प्रभु की कृपा है, जो केतु अभी निर्बल हुए हैं, अभी इनके निर्बलता की स्थिति पर शायद आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर हुए। लगन पर केतु की दृष्टि का आना कई प्रकार से विषम परिस्थितियों को भी देता है, परंतु अभी ये अंशात्मक रूप से कमजोर है। इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि आपके ऊपर जहां जहां भी बताए हैं वहां वहां को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे ये 0 डिग्री पे आ जाएंगे, 30 सितंबर का वो डेट होगा, 30 सितंबर को ये 0 डिग्री पर आ जाएंगे। जैसे ये 0 डिग्री पर आएंगे, ये आपके पंचम भाव को छोड़ देंगे। ये 30 अक्टूबर की बात की बात बोल रहे हैं, 30 अक्टूबर के बाद ये 0 डिग्री में आ जाएंगे उसी दिन, और 30 अक्टूबर के दिन ही ये आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर जाएंगे। उसका प्रेडिक्शन क्या होगा आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि 3 महीना एक वरदान स्वरूप है, और इस समय पर जहां जहां हमने आपको बताया है वहां वहां प्रयास आपको करना है। देखिए, ग्रह गोचर अनुकूल होते हैं, हम सोचते हैं कि ग्रह अनुकूल हो गए अपने आप हमें सब कुछ मिलेगा, कभी ऐसा नहीं होता। वो अनुकूल हुए हैं मतलब आपका प्रयास
थोड़े से प्रयास आपने किया या जितना प्रयास आपको करना चाहिए आपने वो प्रयास किया, उसके अनुरूप आपको फल दुगुना मिलना, ये ग्रहों के द्वारा हम आपको प्रॉमिस मिलेगा। तो इस कारण से अभी आपके नवम भाव प्रभावी हैं, एकादश इनकम भाव प्रभावी है, साथ में आप स्वयं प्रभावी हैं और आपकी बुद्धिमत्ता और आपके निर्णय क्षमता भी प्रभावी हैं। तो इस समय पर कार्य कीजिए, मेरा मानना है कि शायद कोई बहुत अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।